शनिवार को कृष्ण बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा में विद्यालय का वार्षिक समारोह उमंग उत्साह 2021 धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विद्यासागर मिश्र पुलिस अधीक्षक ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्ता ने की। विद्यालय के छात्र छात्राओं के योगासन, मोटरसाइकिल स्टंट, अग्निचक्र, साड़ी नृत्य, मुर्गा डांस, डबल योग, घोष प्रदर्शन आदि रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यासागर मिश्र ने छात्र छात्राओं को जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए उसकी प्रेरणा दी तथा कार्यक्रमों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आप बच्चे ही आगे चलकर इस देश की प्रगति का निर्धारण करेंगे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक विनोद बाबू सक्सेना, प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, विद्यालय के संरक्षक अशोक कुमार अग्रवाल, भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री दिनेश ठाकुर, भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री सचिन चौधरी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र चौधरी, सत्येंद्र मिश्रा, शीतल प्रताप सिंह, आईबी सक्सेना, बीएस यादव, आरपी शर्मा, विद्यालय के पूर्व छात्र अमन शर्मा, हेमेंद्र सिंह आदि बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन हरपाल सिंह ने किया। सभी अतिथिगण, मेरी दाईं ओर क्षेत्र के महामंत्री युवा सचिन चौधरी जी, व्यवस्थापक विनोद जी और मेरी बाईं ओर बैठे गुरुजन, इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला। यहाँ के आचार्य, यहाँ की अध्यापक अध्यापिकाएं, छात्र छात्राओं और इस विद्या के मंदिर के प्रधानाचार्य, ऐसा कार्यक्रम 34 कार्यक्रम हुए हैं जो कि मैं कहूं कम शब्दों में अद्भुत। बहुत अच्छा लगा आप लोगों की प्रतियोगिता देखते हुए। ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ बैठा जाए, लंबे समय तक देखा जाए। मैं सभी को, यहाँ आए अभिभावक छात्र छात्राओं को भविष्य के लिए शुभकामना देते हुए उनके इन कार्यक्रम को, अगर ये कहूं कि ऐसा कार्यक्रम अद्भुत, बहुत ही सुंदर, सराहनीय, अपनी अपनी प्रतियोगिता के रूप में सबने अपना अपना योगदान दिया। 34 आचार्य लोगों ने साथ हर कार्यक्रम को अलग अलग दिया, उन सबको बधाई देता हूँ। पुनः सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। ओम प्रकाश सिंह। सर, प्रोग्राम कहाँ पर हुआ है? आज कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा के मैदान में विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने उमंग उत्सव मनाया है। इस उमंग उत्सव कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। विभिन्न प्रकार के लोकगीत भी विद्यालय के बड़े प्रांगण में ही प्रस्तुत किए हैं। इससे बालकों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको निखारने का, उसको निकालने का अवसर उन बालकों को दिया गया है। कितने कार्यक्रम समाहित हैं? सभी बालकों ने मिलाकर के कुल 34 कार्यक्रम तैयार किए और पहले से तैयारी वो कर रहे थे। 34 के 34 कार्यक्रम हमारे 10:30 बजे से प्रारंभ हुए और 1:30 बजे तक ये सब कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर, क्या ये पहले वर्ष हुआ है या हर साल होता आया है या होएगा? सन 2019 में ये कार्यक्रम मैदान में शारीरिक प्रदर्शन के रूप में मनाया गया। 2020 में कोरोना के कारण हम ये कार्यक्रम संपन्न नहीं करा सके, लेकिन इस बार हमको अवसर प्राप्त हुआ तो हमने ये कार्यक्रम बच्चों के माध्यम से प्रस्तुत किया। समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त अतिथिगण, मेरे आग्रह को स्वीकार कर यहाँ पर पधारे हुए समस्त सम्मानित जन, यहाँ जो उपस्थित हुए हैं उन सभी का विद्यालय परिवार की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार हमारे बालकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे। पिछले दिनों में
पेपर्स कराने के लिए, 9 से 12 तक के पेपर्स कराने के लिए स्कीम के अंदर परिवर्तन किया गया था। कल भी रविवार में एक पेपर रख दिया था, 9 से 12 तक के बच्चों का परिवार रख दिया था, पेपर रख दिया था, लेकिन अब कल नहीं होगा वो पेपर। अब यह पेपर आपका 2 तारीख को होगा, केवल रविवार में परिवर्तन किया गया है। रविवार का पेपर ही अब 2 तारीख को होगा। आज भैया बहनों ने बड़ी मेहनत की है, कई दिन से बड़ी तैयारी कर रहे थे, 1 तारीख से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। आप तैयारी करेंगे, अच्छे अंक लेकर के पास होंगे, ऐसी मुझे आशा और अपेक्षा है। आज के कार्यक्रम में जिन बंधुओं ने भी अपना समय प्रदान कर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हम उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हमारे अन्य अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, निवर्तमान प्रधानाचार्य, जिन्होंने इस अवस्था में भी अपने कष्ट को उठाते हुए और यहाँ पर उपस्थित हुए, उन सभी का पुनः हृदय से आभार। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से अगले वर्ष फिर होगा, तो आज आमंत्रण दे दो। 27 नवंबर 2021 उमंगोत्सव के रूप में मनाया गया है, तो अगला उमंगोत्सव 2022 ये 27 नवंबर को ही होगा। अभी से आप तैयारी करें। तालियां जोरदार, क्या बात है। अगले साल पुनः उमंगोत्सव के रूप में अन्य कार्यक्रमों के साथ ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। धन्यवाद। और आगे का कार्यक्रम दिशा में आपका अमन पंडित, मैं विद्यालय का पूर्व छात्र और मैंने यहाँ पर अपनी नर्सरी से लेकर 12वीं तक 3 कक्षाएं जो पढ़ाऊंगी उसी विद्यालय में पढ़ाऊँ, कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपा अमरावत में। कितनी खुशी लगी आज का प्रोग्राम कि आज इस कार्यक्रम में जो महोत्सव का कार्यक्रम बनाया गया, जो छात्र छात्राओं ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम बनाया, उन लोगों ने शारीरिक कार्यक्रम किए, उसके साथ साथ कुछ छात्र छात्राओं ने रंगमंचम कार्यक्रम भी किए, जो जिसे देखकर काफ़ी खुशी हुई। जो हम पहले छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, विद्यालय में पढ़ते थे, तो हम किस प्रकार के कार्यक्रम करते थे, आज हमारी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो गई हैं। किस प्रकार के हमारा जो विद्यालय विद्या और संबद्ध कृष्णा विद्या मंदिर है, इस कॉलेज में आए और आज हमने कार्यक्रम देखा, हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब हम कक्षा 4वीं 5वीं 6वीं यहाँ पढ़ते थे, उस टाइम हम भी बढ़ चढ़ कर हर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया करते थे।